हाय दोस्तों, सबको स्वागत करता हूँ मैं मुंबई ऑनलाइन चैनल के लिए। इधर वैंग रोड वाइटफील्ड रोड के पास कृष्णराजपुरम जाने के लिए फ्लाईओवर के पास ही है। यहाँ पे एक अच्छा से एक स्ट्रीट डांस देखिए, इधर खड़ा अभी देखिए ये स्ट्रीट डांस का प्रोग्राम पूरा कैसे है। आप बताइए आपको कैसे लगता है ये प्रोग्राम। स्ट्रीट डांसर्स को देखिए, मैं इधर थोड़ी देर इधर खड़ा हुआ क्योंकि लोग इधर खड़ा रहते हैं देखने के लिए। ये जो एक कोने में है, स्ट्रीट के एक बाजू में है, स्ट्रीट के मेन टाउन सिटी के बाजू के रोड है, मतलब थोड़ा अंदर से जाने के लिए वो रास्ता है, वो फ्लाईओवर के पास है। वहाँ पे इधर ये लोग इतना क्राउड भी नहीं है और टैक्सी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इधर आके खड़ा रहता है। कोई लोग पैसा थोड़ा तो कॉइन्स वगैरह नोट्स वगैरह देता होगा शायद, मैं देखा नहीं। मैं जाके उसको कुछ पैसा दिया क्योंकि ये लोग का वीडियो बनाने के मैं शुरुआत किया, क्योंकि ये लोग का कल्चर क्या है, ये वो कहाँ से आ रहे और ये लोग का ये प्रोग्राम में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाला कौन कौन है, ज़रा पहचान करके मिलना है। इधर लोग है, इधर स्लम है साइड में, देखिए वो स्लम के एरिया है एकदम कोने में। ये जो साइड में ये स्ट्रीट टाउन का सिटी का और कृष्णराजपुरम फ्लाईओवर के पास ही है, ऊपर से साइड से जा रहे हैं, कृष्णराजपुरम जाने वाला हाईवे है। और यहाँ पे ये लोग आराम से डांस करते रहते हैं और कन्नड़ा ओल्ड सॉन्ग्स ज़्यादा से लोग डांस करते हैं, उसका वो ट्यून पर डांस करते हैं। हिंदी सॉन्ग्स भी है और ये लोग एकदम अच्छा से डांस करने वाले ऐसे लोग हैं, विलेज लोग हैं। तो मुझे ये जो पहचान करके मिला ये लोग से, एक ये लोग का बड़ा आदमी था, वो पैसा लिया पहले मेरे से, मैंने दिया उसको। उन्होंने बोला ऐसा मैसूर विलेज से आते हैं, मैसूर के एक टाउन के अंदर सिटी के अंदर से विलेज से आते हैं लोग, ऐसा दिवाली के टाइम हर शहर में जाके ऐसा एक डांस प्रोग्राम ये लोग करने वाला है, उससे पैसा कमाता है। और ऐसे टाइम में लोग कुछ पैसा देता है लोगों को। देखिए ये बाजू में जो स्लम एरिया है वहाँ से जो भी वो लोग, स्लम का लोग इतना इधर उसके घर के सामने नहीं तो उसका वो रोड साइड में ऐसे खड़े के और बैठ के ये लोग सीन देख रहे और ये लोग को बहुत मजा है। मैं उसको मुंह देखे मैं समझ में आ गया, छोटे बड़े लोग, बाल बच्चे लोग और बड़े लोग, बुढ़े लोग सब उधर रोड साइड में बैठा है और एकदम खुशी फेस है लोग, क्योंकि दीवार के तो त्यौहार बड़ा त्यौहार है। लेकिन ये लोग इतना ये त्यौहार मनाता है, लेकिन ये लोग का जो ऐसा स्पेशल प्रोग्राम के लिए जाने के लिए वो पैसा, बड़े बड़े लोग पैसा खर्चा करके बड़े मॉल में जाते हैं और कुछ सामान लेने के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं लोग को। लेकिन इधर इस्लाम एरिया में जो डेली वेजेस में काम करने वाला ज़्यादा इधर बैठी में रहता है, मैंने स्टडी किया था, तो ज़रा ऐसा कंडीशन में हमको ऐसा लगता है एक वीडियो बनाने का, एक शूटिंग करने का यहाँ पे, क्योंकि ये लोग के जो लाइफ कैसे है, ऐसे जी रहे लोग, मज़ा करते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम देखे और दूर जाके और फिल्म देखने के लिए थिएटर में भी पैसा बहुत खर्चा होता है। देखो रिक्शा ड्राइवर्स ये भी डेली वेजेस वाला है और दूसरे कोई कोई लोग उधर बाजू में खड़े और देखने के लिए। देखे दूर से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, ऐसा देखिए ये तो बाजू में जो डबल स्टोरी बिल्डिंग देखता है तो खाली एक तो बिल्डिंग दिखता है, बाकी पूरा वो साइड में स्लम ही है। देखो लाइट लगाया और दिवाली का लाइट आपको दिखता है इधर, इधर एकदम ये लोग का उनका फाइनल प्रोग्राम लगता है ऐसा। वो एक पहले एक सिंगल डांस थे, वो एक ही लड़की ने डांस किए, अभी
कि जोड़ी बना के डांस करते और वो सिंगल सोलो डांसर वो दोनों जेंट एंड लेडी और दोनों मिलके अभी डांस करते और मैं भी थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड किया क्योंकि एरो के त्यौहार ऐसा मनाते हैं लोग दिवाली है रोड में स्ट्रीट में और जो लोग देखने वाला भी ऐसा बहुत खुशी से बहुत आनंद मिलता है उसको जैसे प्रोग्राम देखे एरो पहले मैंने बताया उन लोगों को पैसा खर्चा करने के लिए इतना ज़्यादा लोग को फैमिली मेम्बर्स को लेके थिएटर में जाने का सिनेमा देखने का इतना पैसा नहीं खर्चा करते लोग इसलिए लोग इधर सब टाइम पास करते हैं और ऐसे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं ऐसे लोग को भी हम भूल नहीं जाने का कभी कभी जाके उसको मिलके और उसे थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया तो वो लोग भी ऐसा ही रहते हैं क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना राइट। और देखिए आगे ये डांस प्रोग्राम और ये स्पेशल व्लॉग में मुझे इतना ही आपको दिखाना है और बाद में और स्पेशल न्यूज़ और खबर और अच्छा अच्छा फंक्शन के बारे में सब बेंगलुरु के प्रोग्राम बेंगलुरु के न्यूज़ ही होगा तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो लेके आने वाला है और इंतज़ार कीजिए आगे भी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट देने के लिए हमारा चैनल को और पहले मैं मुंबई का जो कवर करता था अभी बेंगलुरु में हूँ और बेंगलुरु का ही वीडियो सब बनाता है लोग निकल रहे और रात का टाइम बहुत टाइम इधर स्पेंड किया मैं भी आधा घंटे हो गया उससे पहले ये लोग चालू किया था और टाइम ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे तक हो गया तो शायद पब्लिक कम होते रहते। मैंने इधर देखा स्ट्रीट डांसेस के इधर सामने इधर वॉल्यूम जो माइक्रोफोन सिस्टम कंट्रोल करते एक बड़े आदमी बैठा है उसके साथ बात करेंगे ज़रा देखेंगे लोग मेंबर्स से कैसे है लोग ये सब करते हैं वो क्या है सब पूछेंगे। वो क्या बोलते हैं मैसूर से है बेंगलुरु के नजदीक सिटी है और अंदर का विलेज से आते हैं मैसूर में से ओके और इतना साउंड सिस्टम ज़्यादा इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहे बराबर। ये ग्रुप के सबसे सीनियर्स दो लोग हैं ये लोग दोनों डांस करते हैं।